हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। आपके अपने प्यारे अचीवर्स 365 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की क्लास में मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट रिलेटेड है ऑब्जर्वेशन टेस्ट से। और इस ऑब्जर्वेशन टेस्ट के प्रैक्टिस सेट से पहले अगर आपने इसकी कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं करी है तो क्लास नंबर 27 पे जाएंगे और आपको ऑब्जर्वेशन टेस्ट का कॉन्सेप्ट और ट्रिक पूरा मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए और समझिए कि कैसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट को करना है, और उसके बाद आप इस क्लास पे आइए। तो आपको इसके लिए जाना होगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेंगे, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट या फिर कंबाइंड प्लेलिस्ट दोनों मिल जाएंगी और उसमें से आप अपना ऑब्जर्वेशन टेस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेमोरी टेस्ट, इमीडिएट फिगर टेस्ट, फिगर एसोसिएशन टेस्ट, है ना, पर्सनालिटी टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं मैंने लगभग करा दिए हैं, और इसके बाद मशीन टेस्ट बचेगा वो भी करा दिया जाएगा। तो आप ये सारे टेस्ट प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, इतना काम कर लीजिए। लास्ट में आपको वीडियो को शेयर भी करना है। तो अब आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस। मैं बता दूं आपको टोटल मिलेंगे 30 क्वेश्चंस और 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो एक बार में स्क्रीन पर आपके आएंगे 6 क्वेश्चंस, 1 मिनट तक स्क्रीन पर रहेंगे। आपको वीडियो को चला के छोड़ देना है और इस तरीके से आपके पास 5 स्लाइड्स आएंगी और इस तरीके से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 मिनट में। तो आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, आप पेन पेपर निकाल लें। आपको दिए जाएंगे 1 मिनट में 6 क्वेश्चन और टोटल हो जाएंगे 30 क्वेश्चन 5 मिनट में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस।
उम्मीद करते हैं आपने टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो अब बारी है आंसर्स और एक्सप्लेनेशन की। तो आपको कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आंसर दिए जाएंगे। तो इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आंसर पे। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए मैंने ये, अच्छा यहाँ पर देखेंगे आप तो ये रो थ्री, यहाँ पे तो 3x4 का मैट्रिक्स है। तो आपको 4x4 का मैट्रिक्स भी दिया जाएगा और ये अभी फ़िलहाल 3x4 का है, लेकिन आपको मैं 4x4 का मैट्रिक्स इसके बाद भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले आप ये टेस्ट कर लें, इसके बाद 4x4 का भी टेस्ट आपको दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। और अब आप चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। ये मान लीजिए मैंने ये वाला, अच्छा ये जो इस शेप में पड़ा है बना हुआ है, इसको आप डायमंड मान लीजिए। ये जो रोम्बस जैसे बना, ये आप रोम्बस बोल सकते हैं या डायमंड बोल सकते हैं। और ट्रायंगल देखेंगे आप, एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। एक बोलेंगे डाउनवर्ड ट्रायंगल, एक बोलेंगे अपवर्ड ट्रायंगल। ये डाउनवर्ड ट्रायंगल हो गया, ये हो गया अपवर्ड ट्रायंगल, और ये क्या हो गया, डायमंड हो गया, है ना। या फिर आप इसको रोम्बस बोल सकते हैं, आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर आपको अलग से दिया गया है ऐसे इस तरह, इसलिए स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं क्या करना है आपको। अब मान लीजिए आपने इसको पकड़ा, ये डायमंड को बीच में, ठीक है, यहाँ से आपने प्लस बनाया ऐसे, ये प्लस बना। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल। तो आपको जो मिलता जाए जिस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में जो, उसको आप बोलते जाएंगे, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, बोलते जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इसी पोजीशन पे, आप देखिए यहाँ पे डायमंड था, यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया, तो आपका तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 सेकंड में बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता तो चलिए क्या होता है, जब मान लीजिए इस ये वाला ऑप्शन अगर सी वाला यहाँ होता, बी यहाँ होता, तो ये वाला पहले मिलता सी वाला, तो आप डायमंड पैसे करते हैं, ठीक है। ये डायमंड देखिए, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, और ये आपको क्या मिलेगा, सर्किल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, सर्किल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए। अभी आपको डिसिमिलर ढूंढना है, आपको डिसिमिलर ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए ये डायमंड है, आपको क्या करना है, ये डायमंड है, इस पर आपने प्लस बना दिया, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, सर्किल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउन, ये जो प्लस का साइन है आपको बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है, आपको ये सारा काम आंखों से करना है, कुछ नहीं करना है, ड्रॉ कुछ नहीं करना है, सारा काम आंखों से करना है। डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, सर्किल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, सर्किल, डाउनवर्ड ट्रायंगल। तो देखिए ये सारे ऑप्शन सिमिलर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सर्किल है, यहाँ 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 सर्किल, ठीक है। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ। ये ऐसे आपने प्लस बनाया, तो डायमंड, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, सर्किल, डायमंड, डाउनवर्ड ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल, सर्किल, डायमंड, ये देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रायंगल आना चाहिए था, आ गया, तो ये आपका सी हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपके 2 से 3 सेकंड में बन जाएंगे, ठीक है, तो आपके 2 से 3 सेकंड में भी बन जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन को आपको 5 से 6 सेकंड लग जाएगा, अगर आप लास्ट तक जाएंगे तो 5 से 6 सेकंड लगेगा, है ना। अब 2-3 स्टेप में ही अगर मिल जा रहा है तो 2 से 3 सेकंड में बन जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन ये 3 मिनट में सारे हो जाएंगे अगर आप अच्छे से कर लेंगे, तो ये 3 मिनट टाइम इसके लिए सफिशियंट है, ठीक है। और आप अगर सोच रहे हैं कि अगर तीन सिमिलर मिल गए, एक डिसिमिलर, एक ही एलिमेंट को मैच किया डिसिमिलर, तो अगर एक एलिमेंट आपको मिल गया कि जो सेम नहीं है, तो वो पूरा ब्लॉक डिसिमिलर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा अपने आप से। तो आपको ज़्यादा उस तरीके से नहीं सोचना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, अब मैं दूसरा चेक करूं, तो आपने थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, श्योरिटी आपको रखना है कि हाँ इसमें श्योर है कि आंसर हमारा सही जाएगा। और इसके साथ साथ आप घर पे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, आप एक एक एलिमेंट मैच करके देख लीजिए, पहले मेरे बताए तरीके से कर लिए, फिर एक एक एलिमेंट मैच करके देखिए, अगर आपको लगता है कि आंसर आपके गलत हो रहे तो आप बताइएगा, है ना, आप पहले फॉलो तो करिए। चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ देखेंगे आपको
रेक्टेंगल में, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, तो ये देखिए यहीं से गायब हो गया थर्ड वाला, तो ये ट्रायंगल मिल गया ना आपको सब जगह, बाकी स्क्वायर है, तो ए ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, तो अभी ये 3x4 का है, थोड़ा सा इजी है आपके लिए, इसको तो और जल्दी करना है। अब 4x4 का भी आपको दिया जाएगा और 3x3 का भी दे देंगे, ठीक है, सारे करा देंगे। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ में जैसे ये है ट्रायंगल है, तो सर्किल अपर ट्रायंगल स्क्वायर डायमंड, सर्किल अपर ट्रायंगल स्क्वायर डायमंड, सर्किल अपर ट्रायंगल स्क्वायर डायमंड, सर्किल डाउनवर्ड ट्रायंगल, देखिए तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, डिसिमिलर। तीन अगर सेम है तो ये वाले भी सेम होंगे, है ना, क्योंकि डिसिमिलर तो एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो, फिफ्थ वाला, ये देखिए डायमंड है, ऐसे बना लिया आपने क्रॉस, डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये देखिए अपर ट्रायंगल आना चाहिए था, ये अपर ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड, देखो ये सब सेम है, ये सेम नहीं है, सर्किल आ गया, है ना। आप देखते जाइए, आपके आप इसको हैबिट में तो लाइए, आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं सही से, आप अप्लाई करिए, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सर्किल है, प्लस बना लिया, डायमंड स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर, देखिए ये डायमंड था, ये क्या मिल गया, क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। तो अब थर्ड वाला चेक करिए, क्योंकि ये दो से पता नहीं चल पा रहा है कि सिमिलर है कौन सा आंसर है, तो थर्ड वाला आपको चेक करना है। तो इस पे आएंगे, देखिए क्या है, डायमंड स्क्वायर डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड स्क्वायर डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड स्क्वायर डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, तो ये सब सिमिलर है, और ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सिमिलर नहीं है, क्योंकि बी वाले में देखिए अब बीच में स्क्वायर ही मिल रहा है, आप वही देख लीजिए, बाकी सब में सर्किल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे तो आपको देखिएगा, ये डायमंड है, डायमंड है, चलिए डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, और ये डायमंड मिल गया, डायमंड डायमंड मिल गया ना। अब आपको पहले क्या मिला था, डाउनवर्ड ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से सारे आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक दो और बता देता हूँ और फिर आप बाकी के करिएगा, आंसर आपको बता देता हूँ। उसके बाद एर्थ में आएंगे तो ये आपको मिलेगा सर्किल, तो सर्किल पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल। आपको ये बोलते जाना है, जो भी आप करेंगे ना आप बोलते जाना है, ड्रॉ नहीं करना है पेन से, आपको आंखों से देखना है, बोलते जाना है, मन में गुनगुनाते जाना है और आंसर देख समझते जाना है कौन सा होगा। डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिमिलर नजर आ रहा है सारा कुछ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल सर्किल, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये देखिए ये सर्किल नहीं था, ये छूट गया था। तो आप देखेंगे कि आप अगर एक्यूरेसी के साथ सही से करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको अपने आप मिल जाएगा, है ना। चलिए एक नाइन्थ वाला देख लीजिए, स्क्वायर है, ऐसे बना लीजिए, डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल अपर, ये देखिए अपर ट्रायंगल है क्या, डाउनवर्ड है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर नहीं होगा, एक मिनट, देखिए आपके सिमिलर दूसरे हैं ना, ये डाउनवर्ड ट्रायंगल अपवर्ड ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये डाउनवर्ड ट्रायंगल हो गया अपवर्ड की जगह, है ना, डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये क्या है, डाउनवर्ड ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या था अपवर्ड, ये क्या है डायमंड, ये है डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड डायमंड डाउनवर्ड 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 डायमंड डाउनवर्ड। तो आपको देखो ये वाला अपवर्ड मिला है, ये वाला अपवर्ड मिला तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, इस पे आप ऐसे मार्क करेंगे तो आपको सर्किल अपवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड सर्किल अपवर्ड ट्रायंगल, ये देखिए मिला। अब एक थर्ड वाला क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि
अब ये देखिए, आप यहाँ पे बीच में क्या मिला था, डायमंड, यहाँ सर्कल, यहाँ डाउनवर्ड ट्रायंगल बीच में था, यहाँ पे बीच में ही डाउनवर्ड ट्रायंगल, यहाँ भी बीच में डाउन, यहाँ भी बीच में, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी देख लेंगे आप तो डाउनवर्ड अपवर्ड ट्रायंगल स्क्वायर डायमंड, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, आप देखेंगे डाउनवर्ड ट्रायंगल था ये, आप देखेंगे एक मिनट में इसको बना देता हूँ ये, हाँ फिर से देख लीजिए आप, डाउनवर्ड ट्रायंगल स्क्वायर डाउनवर्ड ट्रायंगल और ये डायमंड और बीच में ट्रायंगल है। फिर ऐसे आप देखेंगे तो बीच में देखिए यहीं पे आपको अलग मिल गया, तो डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड तो है ना। अब थर्ड वाले पे आएंगे तो डाउनवर्ड ट्रायंगल डायमंड और डाउनवर्ड ट्रायंगल डाउनवर्ड ट्रायंगल, तो आप देखेंगे ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ये आपका अलग है, डिफरेंट है, तो बाकी भी सिमिलर होंगे, आपके दो सिमिलर है तो बाकी भी सिमिलर होंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, मैं आपको आंसर की शो कर देता हूँ, आप अपना आंसर देखिएगा, मैच करिएगा, मैच करने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट होता आपको कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। तो ये रहे आपके 1 से 15 तक के आंसर, तो 1 से 15 तक के आंसर आप मैच करिए और नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच करके आप अपना स्कोर चेक करिएगा। इसके बाद के आंसर दिखाता हूँ, ये रहे अगले 15 से, ये रहे अगले 15 से 30 तक के आंसर, ये भी आप चेक कर लीजिए, चेक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टिक कर लीजिए, और टिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्कोर मैच करना है, स्कोर मैच करना है, और मैच करने के बाद आपको स्कोर कमेंट में बताना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो और आपको जॉब मिले।